क्वेश्चन नंबर 7, यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस 2m बराबर 0 के मूल हो तो k व m के मान ज्ञात करो। k और m का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो समीकरण है वो लिख लेते हैं। समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2m बराबर में 0। x बराबर 2 दिया है और x बराबर 3 दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। समीकरण में x बराबर 2 रखने पर सबसे पहले क्या है, समीकरण जो दिया है उसको लिख लिया है समीकरण, फिर x बराबर 2 x बराबर 3, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण में जो है x की जगह पर हम क्या रखेंगे 2, तो x की जगह पर हमने रखा 2, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 2 के, अब यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 2 माइनस का 2m बराबर में 0। इसी प्रकार तो 3 इसी प्रकार लिखा रहेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 होगा ना यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माइनस का 2 के, इसी प्रकार लिखा रहेगा। एक काम करेंगे 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधा यहाँ पर 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4k, कितना हो जाएगा 4k माइनस का 2m बराबर में 0। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 एकम 4 12 माइनस का 4k माइनस 2m बराबर में 0। ओके, ये लिखने के बाद इसमें 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 कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे कि कॉमन आया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का 2k माइनस m बराबर में 0, ये कॉमन निकल आया। ओके, तो यह करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, 6 माइनस 2k माइनस का m बराबर 0। ओके, ये लिख लिया है, तो यहाँ पर बराबर में 0 लिखा है। अब हम 0 को हटाएंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2k प्लस का m बराबर में 6, ये हो गया समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने इसे, ठीक है। अब लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जिस प्रकार हमने x बराबर 2 रखा, अब x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण है उसमें x बराबर 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर किया तो आ जाएगा 9। ओके, 3 × 3 × 6 × 9, 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 9 × 9 = 18 × 9 = 27 माइनस का साइन। इसी प्रकार अब 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 3 × 3 × 3 × 6 तो 6k, यहाँ भी होगा 6k माइनस का 2m बराबर में 0 अब हम क्या करेंगे, कॉमा निकाल लेते हैं, इतने में कॉमा क्या निकलेगा, कॉमा नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर 27 जो है अड़चन ला रहा है, 27 बराबर में, अब जो यहाँ पर बराबर में 0 लिखा है इसको हटाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा 6k के, तो ये प्लस हो गया, अब यहाँ पर हो जाएगा 2m माइनस 6k, ये लिखा था तो हमने 0 को हटाया तो 27 बराबर हमने इसी प्रकार लिखा, अब ये माइनस का 6k था तो इसको इस प्रकार किया, यहाँ पर इसका पक्षांतर किया तो ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का तो ये भी प्लस का हो गया, तो हमने यहाँ पर लिखा है प्लस का 2m, तो यह करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, 6k प्लस का 2m, 6k प्लस का 2m बराबर में जो 27 है इसको इस प्रकार यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा था ये, और समीकरण ये है, तो अब करते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। तो विलोपन विधि जान लीजिए किस प्रकार होती है, विलोपन विधि लिखते हैं हेडिंग विलोपन विधि, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं 2k प्लस का m
समीकरण फर्स्ट क्या है, 2k प्लस का m बराबर में 6। समीकरण सेकंड है 6k प्लस का 2m बराबर में 27। ये है समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकंड। तो इसमें देखिए दोनों में बराबर करना होता है विलोपन विधि में, तो दोनों में बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, या m को बराबर कर लेना होगा इसको, या k के जो पद हैं वह उसको बराबर कर लेना होगा। तो हम m को कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी रही यही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4k प्लस का 2m बराबर में 6 एकम 6, 3 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो ये समीकरण हो गया, थर्ड मान लेते हैं। समीकरण थर्ड और सेकंड को अब हल करते हैं, तो ये बराबर बराबर हो गया ना। तो अब यहाँ पर ये समीकरण सेकंड लिख लेते हैं, 6k प्लस का 2m बराबर में 27। तो ये बराबर हो गया, यानी 2m यहाँ पर लगा है, 2m यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह है, यानी सामान्य चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ भी हो जाएगा माइनस का। तो 6k में से 4k घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k बराबर में 27 में से 12 माइनस कर दो तो आ जाएगा 15, माइनस का 15, यहाँ भी माइनस का 2k, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो यहाँ से सीधा लिख देते हैं, यहाँ पर 15 बटे आ जाएगा 2 बराबर में k, ये आ गया k का मान। अब हमें m का मान और निकालना था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, k का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं k का मान, तो यहाँ पर जो m का मान है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण किससे करते हैं, जो सिंपल सा रहेगा उसी में कर देते हैं। जैसे कि समीकरण फर्स्ट में रखने पर m 2 का k का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है, ये है समीकरण फर्स्ट। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट को, 2k प्लस का m समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं हम k का मान, तो 2 गुणे 15 बटे हो जाएगा 2, क्योंकि यही तो आया k का मान, प्लस में m बराबर में 6। तो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 15 प्लस का m बराबर में 6। तो m बराबर में 6, अब ये प्लस का 15 है तो ये माइनस का हो जाएगा 15। यहाँ पर इसको पोजीशन चेंज की, तो आप लोग साइन ये नहीं लगाना, ओके। तो m बराबर में आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 9। ये आ गया m का मान, यहीं पर हो जाएगा आंसर। m का मान निकल आया माइनस का 9, और k का मान निकल आया है 15 बटे